इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में जानेंगे। मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, मैटर होता क्या है भाई। जितनी भी चीजें हैं आपके आसपास वो सारी की सारी क्या है, मैटर है भाई। आसपास कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे आपके पास, जैसे मेरे पास मार्कर है, क्या मैटर है? है। जैसे कि बोर्ड, क्या मैटर है? है। जैसे कि ये बुक, क्या मैटर है? हाँ है। जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं वो सारी की सारी चीजें क्या है, मैटर है। जैसे कि स्टूल, क्या मैटर है? हाँ है। जैसे कि ये पोचा, क्या मैटर है? हाँ है। मतलब जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं वो सारी की सारी मैटर है। यानी अगर मैं बोलूं एवरीथिंग, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर। ब्रह्मांड की हर चीज जिसको आप देख सकते हो वो सारी की सारी चीजें मैटर है, ठीक है। तो आप कहोगे सर हमारे आसपास हवा है, क्या हवा मैटर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैटर की पहचान होती है, क्या पहचान होती है, देखो हमारे पास पांच सेंसेस होती है, फाइव सेंसेस होती है हमारे पास, सभी जानते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते, सुन सकते हैं, हेयर, हम देख सकते हैं, सी, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं। जिन चीजों को आप देख सकते हो वो मैटर है, जिन चीजों को आप सुन सकते हो वो मैटर नहीं है। जिन चीजों को आप सुन सकते हो वो मैटर नहीं है। जैसे कि आप गाने को सुनते हो, गाना, क्या गाना मैटर है? नहीं है। आप न्यूज को सुनते हैं, न्यूज को, क्या न्यूज मैटर है? नहीं, क्योंकि आप न्यूज को टच नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, आप न्यूज को टच नहीं कर सकते, इसलिए वो मैटर नहीं है। जिसको आप देख सकते हो मैटर है, जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, जैसे चीनी, नमक, रोटी, सब्जी, ये सारे के सारे क्या है, मैटर है। जिसको आप छू सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, आप छू भी सकते हो उसको, वो भी क्या है, मैटर है। क्या हवा आपको छूती है? बिल्कुल छूती है, आप महसूस करते हो ना, जब पहाड़ों पर जाते हो हवा चलने लगती है ना, हवाएं चलने लगती है, आपकी बॉडी से टकराती है तो आपको महसूस होता है कि हाँ भाई हवा चल रही है। यानी हवा को टच किया जा सकता है या हवा आपको टच कर सकते हैं, इसलिए हवा में मैटर है। जिस चीज को आप सूंघ सकते हो, जिस चीज को आप स्मेल कर सकते हो, वो भी चीज क्या है, मैटर है। जैसे कि डिओड्रेंट की बोतल को अगर मैं छिड़कूं, अगर मैं डिओड्रेंट की बोतल को मैं छिड़कूं तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। बेसिकली क्या, डिओड्रेंट में गैस है कोई ना कोई भाई, जो डिओड्रेंट की बोतल है, अगर मैंने ये नोजल है इसका, अगर मैंने इसको प्रेस किया तो आप देखते हो इसमें से गैस निकलती है और यही गैस पूरे के पूरे कमरे में फैल जाती है, तो ये क्या गैस मैटर है भाई? सीधी सी बात है, गैस मैटर होती है क्योंकि आप उसको सूंघ सकते हो, अगर ये गैस तेज चल जाए तो आप उसको टच भी महसूस कर सकते हो, गैस है मैटर। जैसे बहुत सारे बच्चे थे कमरे में है ना, और एक ने गैस छोड़ दी क्या वो गैस मैटर है? मतलब कहने का मतलब उसने क्या कहते हैं उसे, उसने गैस छोड़ी, समझ जाओ कि उसने पाद दिया, क्या वो गैस मैटर है भाई? ठीक है, वो मैटर है क्योंकि आप उसे स्मेल कर सकते हो, तो वो भी क्या है, मैटर है। तो जितनी भी गैसेज होती है सारी की सारी क्या होती है, मैटर होती है, ठीक है। तो दुनिया की हर चीज क्या है बच्चों, मैटर है। अच्छा आप कहोगे सर दुनिया की हर चीज में तो प्यार भी आता है, सुना ना आपने गाना, प्यार दीवाना होता है
मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। देखो बच्चों, जो मैंने गाना गाया इसमें तीन चार चीज आई है, प्यार, गम और खुशी। क्या ये तीनों चीजें मैटर है भाई? प्यार का एक इमोशन है, क्या किसी ने प्यार को टेस्ट किया आज तक? खट्टा, मीठा, कड़वा, नहीं किया। क्या किसी ने आज तक प्यार को टच किया है? नहीं किया। क्या किसी ने प्यार को आज तक स्मेल किया है? नहीं किया। क्या किसी ने प्यार को कभी देखा है कि प्यार की शक्ल कैसी होती है? मोटा होता है, पतला होता है, दुबला होता है, लंबा होता है, छोटा होता है, नहीं ना? तो यानी प्यार मैटर नहीं है। ये एक तरह का इमोशन है बच्चे, जितने भी इमोशंस होते हैं और फीलिंग्स होते हैं वो मैटर नहीं होते हैं, वो मैटर नहीं होते। क्या गम खुशी मैटर है? नहीं है, क्योंकि आप उनको छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ये भी मैटर नहीं है। ठीक है, तो चलो थोड़ा केमिस्ट्री की भाषा के हिसाब से समझते हैं मैटर होता क्या है। हमने समझ लिया जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं वो सारी की सारी चीजें मैटर है, ठीक है ना? तो इसको मैं रब कर देता हूं। मैं कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर के हाथ में पूछा क्या कर रहा था। देखो भाई, लॉकडाउन चल रहा है तो मम्मी मरवा दी थी कभी कभी पूछा, ठीक है, करना पड़ जाता काम, तो ठीक है, आप लोगों भी अपने घर वालों की सहायता करो, है ना, मदद करो, करो, अच्छी बात होती है। चलो मैटर पढ़ रहे थे हम, हमने देखा कि भाई एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कॉल्ड मैटर, है ना। वैज्ञानिकों ने एक डेफिनेशन दी मैटर की, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass is called matter. Matter क्या परिभाषा दी तुमने? हर वो चीज जो कि थोड़ा सा स्पेस घेरे, थोड़ा सा जगह घेरे और उसके पास कुछ ना कुछ मास हो, तो वो चीज क्या है? मैटर है। जैसे कि बच्चे ये मार्कर है, क्या इस मार्कर ने जगह घेर रखी है? सर बिल्कुल घेर रखी है, इसने जगह घेर रखी है। क्या इसके पास मास है? भाई कुछ ना कुछ तो मास होगा, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, कुछ ना कुछ मास होगा, यानी ये मार्कर भी क्या है? मैटर है। अब वैज्ञानिकों की परिभाषा के हिसाब से समझते हैं, ये लव मैटर है, प्यार मैटर नहीं है, क्योंकि प्यार स्पेस नहीं घेरता, है ना, ना प्यार के पास वजन होता, ठीक है, लव इज नॉट अ मैटर एट ऑल। अच्छा, क्या ये बुक मैटर है बच्चे? क्या ये बुक मैटर है? आपकी एनसीईआरटी की बुक है 9th क्लास की, क्या ये बुक मैटर है? हाँ बिल्कुल है। अगर मैं इसने कितनी जगह घेरी अगर मैं लिखाने की कोशिश करूं, तो एक तरीका बच्चे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है कि नहीं, क्यूबॉइड है कि नहीं, क्यूबॉइड, ये बुक है एनसीईआरटी की, कुछ तरीके को क्या मैं ये कह सकता हूं कितनी जगह घेरी हुई है? आप सब मैथ्स जानते हैं अच्छे से, मुझे इसकी लंबाई पता है, लेंथ पता है, मुझे इसकी ब्रेथ पता है, मुझे इसकी हाइट पता है, हाइट पता है कि नहीं पता, मुझे इसकी क्या पता है? हाइट पता है। तो मैं एल बी एच से मैं इसकी वॉल्यूम निकाल सकता हूं, इसने कितना स्पेस घेरा, कितना स्पेस घेरा, वॉल्यूम क्या होता है, इस तरह का स्पेस ही तो होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कोई चीज कितना स्पेस घेरती है उसे कहते हैं उस चीज का वॉल्यूम। तो इस बुक ने कितना स्पेस घेर रखा होगा भाई? L into B into H। वॉल्यूम की बच्चे जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर क्यूब में नापते हैं वॉल्यूम को, ज्यादा करके किसमें नापते हैं? मीटर क्यूब में नापते हैं या सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं? सेंटीमीटर क्यूब में भी नापते हैं बच्चे वॉल्यूम को, कोई कितना वॉल्यूम घेरता है, और लीटर में भी नापते हैं, कोई लीटर में भी नापते हैं, मीटर क्यूब में भी नापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी नापते हैं, लीटर में भी नापते हैं। जैसे एक मीटर क्यूब में
बच्चे एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर होते हैं। एक सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, कितने लीटर होता है 1 लीटर होता है। तो कुल मिला के बुक कुछ ना कुछ स्पेस घेरती है, ठीक है। क्या बुक के पास कोई मास है? बिल्कुल है कि भाई इसका कुछ ना कुछ मास होगा, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, कुछ एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो तो मैटर में हमें ये तो पता लग गया, जो भी चीज स्पेस घेरे और उसके पास मास हो वो क्या है, मैटर है। तो बच्चे दुनिया में देखा जाए तो हर चीज स्पेस घेर रही है और उसके बाद मास भी है। जैसा अगर हम अपनी बात करें, हम हवा से घिरे हुए, हवा से, हवा ने क्या कर रखा है, स्पेस घेर रखा है हमारे आसपास, और हवा के पास क्या होता है, वजन भी होता है। हवा के पास क्या होता है, वजन भी होता है। चलिए तो बच्चों अब मैटर के बारे में बारीकी से पढ़ते हैं, मैटर की विशेषता पढ़ते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि मैटर बना किससे होता है, वैज्ञानिकों ने क्या तर्क दिया मैटर के ऊपर, वैज्ञानिकों ने क्या तर्क दिया, क्या प्रॉपर्टीज दी, क्या प्रॉपर्टीज की बताई कि मैटर के बारे में। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, भाई वैज्ञानिक कहते हैं जो मैटर होता है ना, छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो मैटर होता है वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो पहला पॉइंट क्या बोला उन्होंने, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये समझाऊंगा इस पॉइंट को। दूसरा क्या पॉइंट बोला उन्होंने, मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी। तीसरा पॉइंट क्या बोला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम। चौथा पॉइंट क्या बोला उन्होंने, दीज पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दीज पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इनका मतलब क्या हुआ, आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट पानी की समझते हैं, वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। यही कहा ना, वेरी स्मॉल दो वेरी पार्टिकल्स। भाई मैटर बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं मैटर। आप कहोगे सर कितने छोटे, कितने छोटे, बहुत छोटे। भाई क्या सर धूल के कण कितने छोटे,
ना बहुत छोटे, उससे भी ज्यादा छोटे। क्या सर? जो पाउडर के कण होते हैं, जैसे नाइलॉन का पाउडर आता है, उसके कणों से भी छोटे? मैं बहुत छोटे। तो सर कितने छोटे? भाई इतने छोटे कि आप उन्हें देख नहीं सकते। उन्हीं पार्टिकल्स को आगे जाके हम किसी और नाम से जानेंगे, जिन्हें कहेंगे हम एटम कहेंगे या फिर मॉलिक्यूल कहेंगे या फिर कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, अभी इसकी बात छोड़ देते हैं। बहुत छोटे पार्टिकल समीकरण बन जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्या सर ये बोर्ड भी छोटे छोटे पार्टिकल समीकरण बनाया जा सकता है? आप क्या रहे आगे? हाँ बिल्कुल, बोर्ड एक मैटर है, ये बोर्ड भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे कि सर आपने कहा कि ये नमक, नमक भी एक तरह का मैटर है, क्या ये नमक भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है? हाँ बिल्कुल। अगर मैं नमक के एक कण की बात करूं, इसमें भी ये भी अरबों खरबों पार्टिकल से मिलकर बना है। नमक का एक कण भी अरबों खरबों पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, तो सर आप कहोगे सर चलो ये बात तो ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते। तो सर हम नहीं देख सकते तो वैज्ञानिक भी नहीं देख पाते उन पार्टिकल्स को। तो सर अगर हम इन पार्टिकल्स को देख नहीं पा रहे तो वैज्ञानिक भी नहीं देख पाते उस पार्टिकल्स को। तो बिल्कुल सही बात है, वैज्ञानिक भी नहीं देख पाते उन पार्टिकल्स को। तो सर फिर ये बताओ, तो वैज्ञानिकों को कैसे पता कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है? जब पार्टिकल्स को हम देख ही नहीं सकते तो वैज्ञानिकों को कैसे पता कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है? तो वैज्ञानिकों ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तर्क दिया, लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि देखो भाई एक काम करना, पानी देना अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि क्या कौन सी बात कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन्होंने क्या कहा कि देखो भाई पानी लेना, ये है पानी, ठीक है, उसमें क्या करना, नमक डालना, नमक डालना बहुत सारा नमक, छोटा सा, चलो एक चम्मच नमक डाल देना। आप देखोगे, थोड़ी देर बाद ये नमक गायब हो गया, हमें दिखना बंद हो गया तली में नमक। तो ये नमक गया तो गया कहां? वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो भाई अब मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलना, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। देखो भाई वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो भाई जो ये मैटर होते हैं ना, ये मैटर है, ये पानी भी एक तरह का है, मैटर है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ छोटे छोटे। ये जो मैटर होते हैं ना, इनके पास क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है। आपको ये पॉइंट भी लिखवाया था मैंने, क्या होती है इनके पास, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चे? काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन। काइनेटिक एनर्जी फिलहाल के लिए ध्यान रखो क्या होता है, मोशन। कोई भी चीज मोशन में है तो उसके पास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, विशेष प्रकार की एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम क्या किस नाम से जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी के नाम से उसको जानते हैं। जैसे अगर मैं चल रहा हूं, मान लो मैं दौड़ रहा हूं, मैं मोशन में हूं, क्या मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी? हाँ बिल्कुल होगी। मान लो चूहा है, ये चूहा है वैसे लग रही मान लो है ना, ये चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो चूहा मोशन में होगा, क्या मोशन के पास काइनेटिक एनर्जी, क्या चूहे के पास काइनेटिक एनर्जी होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन। अभी के लिए ध्यान रखो, वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है यानी वो ऐसे ऐसे हिलते चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। ये इधर चल जाएगा, ये इधर चलेगा, टीचर ये इधर चलेगा, टीचर ये इधर चलेगा, टीचर, है ना। ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, इधर उधर घूमते रहते हैं। इनके पास क्या होते हैं, क्यों घूमते रहते हैं, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। क्योंकि इस पानी के कणों के पास क्या काइनेटिक एनर्जी है, ये जो पार्टिकल्स हैं
इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये पार्टिकल नमक से भी टकरा रहे होंगे। ये पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, नमक से भी टकरा रहे होंगे। तो ये इतनी बार टकराते हैं नमक से कि नमक को छोटे 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 पार्टिकल्स में ये ब्रेक कर देते हैं। जैसा अगर मान लो मैं इस बोर्ड पे बार बार अपना हाथ टकराऊं, ऐसे हाथ टकराऊं, तो कभी ना कभी ऐसा आएगा कि बोर्ड टूट जाएगा। या ऐसे कह लो हाथ नहीं, अगर मैं हथौड़ा टकराऊं बार बार इस बोर्ड से, मैं बार बार हथौड़ा टकराऊं, तो ये बोर्ड क्या करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा। तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, नमक के पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स क्या करते हैं, आके नमक के पार्टिकल टकराते हैं, बार बार टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं, और नमक को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करते रहते हैं, ब्रेक करते रहते हैं, नमक गायब होता रहता है ना, इतने छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर देते हैं नमक को कि नमक गायब हो जाता है और बीच में आके पानी के बीच में आके बैठ जाता है ना, बीच में आके पानी के बीच में आके कहीं बैठ गया, और इस तरह से बैठा कि हमें पता भी नहीं लगा, है ना। तो कहने का मतलब बच्चे, आपने पानी डाला, उसमें नमक डाला, थोड़ी देर बाद नमक दिखना बंद हो गया, थोड़ी देर बाद नमक दिखना बंद हो गया, तो इससे यह बात प्रूव हो रही है, अगर नमक दिखना बंद हुआ तो जाहिर सी बात है कि नमक इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया कि वो हमें दिखाई देना बंद हो गया, कि वो नमक इतने छोटे 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 पार्टिकल में टूटा होगा कि वो हमें दिखाई देना बंद हो गया। और कोई भी चीज हमें दिखाई जब नहीं देती जब वो बहुत ज्यादा छोटी हो, हम उसी चीज को तो नहीं देखते जो चीज बहुत ज्यादा छोटी हो, यानी नमक हमें दिखाई देना बंद हो गया, इस बात से प्रूव हो रहा है कि नमक बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था। ठीक है, इस एग्जांपल से क्या प्रूव हो रहा है, अगर मैं पूछूं कि भाई नमक घुला क्यों अपने आप, नमक घुला क्यों, क्योंकि बच्चे इस पानी के पार्टिकल्स के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। इस बात से यह भी प्रूव हो रहा है कि जो मैटर होता है उसके पास क्या होते हैं बच्चे, काइनेटिक एनर्जी होती है। ये वाला पॉइंट प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो मैटर होता है इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अभी आगे जाके बात करेंगे कि सॉलिड के पास ज्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी, कि लिक्विड के पास ज्यादा होती है, कि गैस के पास ज्यादा होती है, अभी आगे जाके बात करेंगे। अभी इस बात से प्रूव हो रहा है कि मैटर के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है ना। तीसरी बात क्या उससे प्रूव हो रही है ना, दूसरी बात क्या प्रूव हुई इससे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी। प्रूव हो रही है भाई, देखो वैज्ञानिकों ने देखा दिखाया कुछ नहीं है, इन्होंने बस ऑब्जर्वेशन करी कि भाई नमक पानी में घोला दिखना बंद हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा होता होगा कि नमक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो और पानी के मॉलिक्यूल्स आके इस पर टकरा रहे होंगे, तो इस वजह से नमक हमें दिखना बंद हो गया। तो इससे ये दो बातें उन्होंने प्रूव करी कि पार्टिकल मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, सॉरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी। तीसरी बात क्या उन्होंने प्रूव करी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये बात कैसे प्रूव हो रही थी कि भाई स्पेस बिटवीन देम, देखो आपने क्या करा था इस बार एक्सपेरिमेंट में, क्या करा था बच्चे, पानी लिया था, आपने लिया मान लो 1000 ml पानी लिया, कितना 1000 ml यानी 1 liter पानी लिया, 1000 ml पानी लिया आपने, ठीक है, और इसमें क्या करा था बच्चे, आपने नमक मिलाया था, बहुत सारा नमक मिलाया था, इस तरह नमक मिलाया था कि नहीं मिलाया था। तो आप देखोगे कि जब नमक घुल जाएगा जो पानी का लेवल होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं उतने का उतना ही रहेगा। भाई जब हमने नमक में पानी में था तो वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए था ना इसका, इसका जो लेवल था वो उतने का उतना ही रहा, वो बढ़ा नहीं, क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा कि
पहले देखा भी बढ़ा नहीं, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि जो पानी था ना, जो पानी के पार्टिकल्स थे, जो पानी के पार्टिकल्स थे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे पानी के, है ना, इनके इसके बीच में क्या था, स्पेस था, इनके बीच में क्या थी, जगह थी, इनके बीच में क्या थी, जगह थी, और ये जो नमक के पार्टिकल्स थे अपनी अपना घर बीच में कहीं बना के बैठे थे, अपना घर इन पार्टिकल्स के बीच में कहीं बना के बैठ गए, और इन्हें लेवल बढ़ाने की, पानी को स्तर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। यानी इस बात से भी प्रूव हो रहा है कि यदि पानी का लेवल नहीं बढ़ा तो यानी पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, पानी क्या एक तरह का मैटर है। तो इस बात से भी प्रूव हो रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन, ठीक है। अच्छा चलिए चौथा पॉइंट क्या बताया मैंने, चौथा पॉइंट मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इस पॉइंट को मैं आगे जाके समझाऊंगा, ये तीन पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं, हमने मैटर में पिछले दो तीन बातें पढ़ी, हमने जाना कि भाई एक तो हमने जाना कि मैटर होता क्या है, हमने मैटर में जाना कि कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस को घेरे, स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ ना कुछ मास हो, कुछ ना कुछ वजन हो उसके पास, वो चीज क्या मैटर है, है ना। दूसरी बात जानी हमने मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना कि मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, मैटर के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और मैटर के पास क्या होता है, स्पेस होता है ना। अब आगे जाके हम इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब बात करते हैं मैटर को अगर मैं बांटू तो तीन कैटेगरी में बांटूंगा मैं मैटर को, किसमें बांटूंगा मैं, तीन कैटेगरी में बांटूंगा मैं मैटर को। भाई मैटर की आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी, यही पढ़ी ना आपने मैटर की डेफिनेशन, दैट ऑक्यूपाई, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास, एंड हैज मास, जिस जो स्पेस घेर और जिसके पास मास हो वही मैटर है, यही पढ़ी ना आपने डेफिनेशन। तो भाई कौन स्पेस घेरता है, किसके पास मास होता है, वैज्ञानिक कहते हैं जनरली तीन चीजें होती हैं, एक होता सॉलिड, एक होता लिक्विड, एक होता गैस, ये तीनों के तीनों मैटर है, तीनों के तीनों मैटर है। सॉलिड भी स्पेस घेरता है, सॉलिड के पास भी मास होता है ना, लिक्विड भी स्पेस घेरता है, लिक्विड के पास भी मास होता है, गैस भी स्पेस घेरती है, गैस के पास भी मास होता है, है ना। अच्छा अब अलग अलग बात कर लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की, वैसे तो आप जानते हो कि सॉलिड होता क्या है, लिक्विड होता क्या है, गैस होता क्या है, महसूस करते हो डेली डेली लाइफ से, रोज परिचय होता है आपका, है ना। तो किताबी भाषा के हिसाब से भी एक बार समझ लेते हैं, किताबी भाषा में से बर्ग लाने वाली होती है फिर भी समझ लेते हैं सिलेबस, किताबी भाषा के हिसाब से समझ लेते हैं होता क्या है, क्योंकि पेपर में आता है सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सॉलिड भी क्या एक तरह का मैटर है, लिक्विड भी क्या एक तरह का मैटर है, गैस भी क्या एक तरह का मैटर है, है ना। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वैज्ञानिक कहते हैं इनके बीच में स्पेस ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है, या तो बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, ये क्या है, इनके बीच में जो स्पेस है वो ना के बराबर होता है, ये चिपके वो होता है। जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, जैसे पानी, जो गैस होती है गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है, एक कण यहां पर, एक कण यहां पर, एक कण यहां पर, टिचक, 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 ठीक है।
वैज्ञानिकों ने कहा कि जो स्पेस होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो जीरो होता है या ना के बराबर होता है। लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, गैस के पार्टिकल्स में बीच में स्पेस थोड़ा और ज्यादा होता है, है ना? जैसे बोर्ड है, सॉलिड है, सॉलिड है, यानी इन इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होगा वो ना के बराबर होगा। लिक्विड में स्पेस थोड़ा सा होता है, गैस में बहुत ज्यादा होता है। अब वैज्ञानिकों से कोई जाकर पूछे कि भाई साहब जब तुमने मैटर के पार्टिकल्स को देखा ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ना के बराबर होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है, गैस में थोड़ा और भी ज्यादा होता है? तो वैज्ञानिक कहते हैं देखो भाई, कभी आप स्विमिंग पूल में कूदना, कभी आप स्विमिंग पूल में कूदना, मतलब इतने भी गहरे में कूदना कि आप डूब जाओ, मतलब इस तरह स्विमिंग पूल में कूदना, इतने गहरे कूदना कि आपको पूरी बॉडी, मतलब गर्दन फाड़ लेती हो, पूरी बॉडी डूबी हो, गर्दन फाड़ लेती हो और पूरी डूबी बॉडी डूबी हो, और आप देखो कि आप पानी के अंदर क्या चल सकते हो, पानी के अंदर क्या आप चल सकते हो, आप देखो क्या पानी के अंदर चल सकते हो। सवाल उठता है क्यों? आप पानी के अंदर चल पाए तो क्यों चल पाए? आप पानी के अंदर चल पाए तो क्यों चल पाए? अगर पानी के बीच में आप इसलिए चल पाए क्योंकि बच्चे पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या था? स्पेस था, स्पेस था, पानी ने इजाजत दे दी, पानी के पार्टिकल्स ने व्यक्ति को इजाजत दे दी कि भाई साहब हम रास्ता छोड़ देते हैं, आप चले जाओ आगे। क्या बोला कि भाई साहब हम रास्ता छोड़ देते हैं, आप चले जाओ आगे। अगर मान लो, मान के चलो पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा ही, पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा ही, अगर मान लो पानी कंटिन्यूअस होता, कंटिन्यूअस होता, जैसे ये बोर्ड है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, तो अगर मान लो पानी कंटिन्यूअस होता, क्या व्यक्ति इस पानी के अंदर चल पाता? क्या अगर मैं ऊपर से बोल फेंकता, क्या ये बोल पानी के अंदर डूब पाती? अगर पानी कंटिन्यूअस होता तो भाई, अगर मैं ऊपर से बोल फेंकता तो ये बोल आपके पानी की सतह पर गिर जाके अंदर नहीं डूबती, क्योंकि पानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो बोल मैंने ऊपर से फेंकी और ये पानी के अंदर डूब गई, पानी ने जगह दे दी अपने अंदर समाने के लिए, है ना? और मेरे आसपास हवा है, मेरे आसपास क्या हवा है, जिस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसमें क्या हवा है, मैं देखता हूँ मैं हवा के अंदर बहुत ही ज्यादा आराम से चल पाता हूँ, बहुत ही ज्यादा आराम से चल पाता हूँ। तो इस बात से ये प्रूव हो रहा है कि भाई जो गैस होती है, जो हवा होती है, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये ज्यादा आनाकानी नहीं करते स्पेस देने में व्यक्ति को चलने के लिए, मैं आराम से चल पा रहा हूँ, तो आराम से जो हवा के पार्टिकल्स है अपने आप साइड हो लेते हैं, पानी के पार्टिकल थोड़ी दिक्कत करते हैं, सोने के पार्टिकल्स तो अड़ जाते हैं भाई साहब, हम नहीं पास होने देंगे। तो आप देखते हो मैं लिक्विड के अंदर भी चल सकता हूँ, मैं गैस के अंदर भी चल सकता हूँ, मैं सॉलिड के अंदर चल सकता हूँ। ये बोर्ड है, सॉलिड है, क्या मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करूंगा? मैं जा पाऊंगा क्या? मैं जा पाऊंगा इसके अंदर? मैं घुस नहीं पाऊंगा इसके अंदर। क्यों नहीं घुस पाऊंगा? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में बच्चे स्पेस नहीं है, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीईआरटी में कि भाई जो स्विमिंग पूल में कोई व्यक्ति है तैर सकता है, क्यों तैर सकता है? तो आपको आंसर क्या देना है? क्योंकि जो पानी होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और वो पार्टिकल्स उस व्यक्ति को अलाउ कर देते हैं, स्पेस दे देते हैं तैरने के लिए, चलने के लिए, ठीक है? स्पेस वाली बात समझ में आ गई आपको? आगे की नहीं आई समझ में? ठीक है। दूसरे बात, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं बच्चे। वैज्ञानिक कहते हैं जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है मिनिमम, मिनिमम होती है। गैस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और इनकी इनकी क्या होती है? इनबिटवीन, इनबिटवीन किसके? इनबिटवीन सॉलिड और गैस के बीच में इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, इनबिटवीन। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या बताया था मैंने? काइनेटिक एनर्जी का मतलब बताया था मोशन, मोशन ही बताया था ना।
तो वैज्ञानिक कहते हैं जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बेचारे बहुत कम मोशन करते हैं अपनी जगह पर ही करते हैं। वो बेचारे क्या करते हैं, बहुत कम मोशन करते हैं ये, बस अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पर बैठे बैठे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ये ज्यादा हिल डुल नहीं पाते, क्यों नहीं हिल डुल पाते, क्योंकि इनके बीच में स्पेस ही नहीं चलने देगी। ये इसलिए ज्यादा हिल डुल नहीं पाते क्योंकि इन बेचारों के पास क्या नहीं है, स्पेस ही नहीं है चलने के लिए। भाई चलने के लिए जगह तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए क्योंकि इनका मोशन कम से कम होता है, इसलिए इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, मिनिमम होती है। जो लिक्विड होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में बच्चे क्या है, स्पेस है, स्पेस है कि नहीं है। हाँ, गैस जितना स्पेस तो नहीं है लेकिन सॉलिड से ज्यादा है, गैस जितना स्पेस तो नहीं है लेकिन सॉलिड से ज्यादा है। तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं बच्चे, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। नमक को तोड़ा था इन्होंने, भूल गए, तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, नमक को इन्होंने तोड़ दिया था छोटे छोटे पार्टिकल्स में, यानी उस बात से प्रूव हो रहा था कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है। इन पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी है। गैस के मॉलिक्यूल्स के पास तो भाई साहब पूछो मत, इनके पास तो स्पेस ही स्पेस है, तो ये तो बेचारे इन्हें जितना स्पेस मिलता है ना घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अगर इन्हें कमरे जितना स्पेस मिलेगा तो कमरे जितनी स्पेस घेर लेंगे, चलने फिरने का बहुत शौक होता है क्योंकि इनमें स्पेस की कमी नहीं है, है ना। अब एक बार बताओ, कोई खुला सा पार्क है, खुला सा पार्क है, खुले से पार्क में भागने का मन करता है ना, क्योंकि खुले से पार्क में क्या होता है, जगह होती है, जगह होती है तो भागने का मन करेगा ही करेगा, है ना। अगर कोई मान लो मार्केट है कोई, जैसे सदर बाजार है, खचम खच भरा हुआ है, क्या उसमें भागने का मन करेगा, भागने का मन नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो स्पेस होगा तो भागेंगे, भागते। तो गैस की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, ये बात कैसे प्रूव होती है, ये बात कैसे प्रूव होती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। देखो भाई, देखो भाई, आपने कभी देखा है कि मम्मी खाना बनाती है, मम्मी क्या करते हैं, खाना बनाती है और आप स्कूल से घर पहुंचे और आपने बता दिया कि कढ़ी चावल बने, राजमा चावल बने कि छोले चावल बने, तो आपने क्यों बता दिया, क्योंकि जो खाने की खुशबू थी वो आपकी नाक तक पहुंच गई थी। खाने की खुशबू क्या हो गई, आपकी नाक तक पहुंच गई। कैसे पहुंची भाई नाक तक आपकी, आपकी नाक तक कैसे पहुंची खाने की, खाने की खुशबू आपकी नाक तक कैसे पहुंची, जैसे खाना खाइए करता, या हैंडल था, खाना गंदा था, है ना। आप चले इधर से, आपने घर में एंट्री मारी, ये दरवाजा था आपके घर का, आपने बैल बजाई, टिंग, आपने बैल बजाई, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला और जो एक खाने की खुशबू थी, जो खाने की खुशबू थी ये आपकी नाक तक पहुंच जाएगी। जो खाने की खुशबू थी आपकी नाक तक क्यों पहुंची होगी, क्यों पहुंची आपकी नाक तक, क्यों पहुंची आपकी नाक तक, क्योंकि इस खुशबू के पास, या ऐसा कह लो इन कणों के पास, जो खाने की खुशबू थी इन पार्टिकल्स के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। इस वजह से ये पार्टिकल्स आपकी नाक तक पहुंच गए, ये पार्टिकल्स आपकी नाक तक पहुंच गए। कैसे पहुंचे आपके नाक तक, देखो देखो, जिस रसोई में खाना बन रहा था आपके आसपास कितने बच्चे, गैस थी कि नहीं थी आपके आसपास, क्या थी, गैस थी कि नहीं थी, गैस थी आपके आसपास, थी गैस थी, गैस थी, गैस थी, गैस थी, गैस थी, ठीक है। तो क्योंकि एक तो इन कणों के पास, खाने की खुशबू के कणों के पास, खाने की खुशबू के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी थी, इस वजह से ये हवा में मिक्स हो पाए। और हवा में क्यों मिक्स हो पाए, क्योंकि हवा के बीच पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस था। हवा में क्यों मिक्स हो पाए,
दो चीजों दो दो कारणों से सो पाया। एक तो इनके पास काफी काइनेटिक एनर्जी थी जिस वजह से भार आ पाए। अब भार आ गए, हवा ने अपने अंदर मिक्स कर लिया इनको, हवा ने इन पार्टिकल्स को क्या करा अपने अंदर मिक्स कर लिया। क्यों मिक्स कर पाई हवा अपने अंदर? क्योंकि हवा के पार्टिकल्स के बीच में क्या थी? स्पेस था, स्पेस था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर सर या मैडम, क्वेश्चन पूछती है कि भाई जो खाने की खुशबू होती है वो आपकी नाकों तक नाक तक पहुंच जाती है, क्यों? तो आपको आंसर देना है क्या, जो स्मेल होती है खाने की उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, और हवा के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इस वजह से जो ये स्मेल है हवा के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाती है और हवा हमारी नाक तक उस खुशबू को लेके आ जाती है, इस वजह से हमें खाने की खुशबू आ जाती है। यही बिल्कुल प्रिंसिपल डिओड्रेंट की बोतल में भी इस्तेमाल होता है, यही बिल्कुल टिकटो सेम प्रिंसिपल बच्चे डिओड्रेंट की बोतल में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आपने परफ्यूम की शीशी क्या करती? खुली छोड़ दी। परफ्यूम की शीशी क्या करती आपने? खुली छोड़ दी, छोड़ दी भी खुली छोड़ दी, कोई बात नहीं। तो आसपास क्या आपके पास? हवा है। क्या है आपके पास? हवा। तो अब इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, जो इसके अंदर गैस भरी हुई है, ये धीरे धीरे क्या आने लग जाएगी? बाहर आने लग जाएगी। क्यों आने लग जाएगी बाहर? क्योंकि गैस के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ऐसी एनर्जी जो कि गैस के पार्टिकल्स को मूव करने वाली करती है। तो ये जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होंगे ये बाहर आने लग जाएंगे और बाहर आके इस हवा में मिक्स हो जाएंगे। हवा में मिक्स क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हवा के पार्टिकल्स के बीच में क्या था? स्पेस था, और यही हवा इन खुशबू को आपकी नाक तक लेके आ जाएगी और आपको कमरे में खुशबू का एहसास होगा। ठीक है, तो मुझे बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन होता क्या है? वैसे तो ये डिफ्यूजन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन का मतलब होता है बच्चों मिक्स होना। अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्स होना। डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्स होना, यानी जहां भी चीजें मिक्स हो रही होंगी वहां पर क्या हो रहा होगा? डिफ्यूजन हो रहा होगा। हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में मिक्स होने को डिफ्यूजन भी कहते हैं। जैसे कि खाने की खुशबू हवा मिक्स हो रही थी, ये खाने की खुशबू हवा में मिक्स हो रही थी, तो बच्चे यहां पर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? यहां पर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि यहां पर दो गैसेस मिक्स होने का काम कर रही है, यहां पर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। क्या यहां पर परफ्यूम की खुशबू हवा में मिक्स हो रही थी? हो रही थी कि नहीं हो रही थी? तो यहां पर भी क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है मिक्स होना। डिफ्यूजन की परिभाषा लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, डिफ्यूजन का मतलब होता क्या है? डिफ्यूजन का मतलब होता क्या है लिखो। इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। भाई अलग अलग मैटर का एक दूसरे में मिक्स होना, इंटरमिक्सिंग मतलब मिक्स होना, एक दूसरे में मिक्स होना, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि अभी आपने कहा खाने की खुशबू अलग मैटर था, हवा कोई अलग मैटर थी, तो इन दोनों को अगर ये दोनों आपस में मिक्स हो गई तो यहां पर क्या वास्तव में डिफ्यूजन हो गया? बिल्कुल हो गया। परफ्यूम की शीशी की स्मेल अलग थी, हवा अलग थी, परफ्यूम की
तो खुशबू थी हवा मिक्स हो गई, तो मैं क्या लूंगा डिफ्यूजन हो गया। जैसे एग्जांपल देते हैं, ये पानी था, पानी उसके एक अलग मैटर था, क्या था पानी अलग है। अगर मैं पानी में क्या कर दूं, नमक डाल दूं, नमक डाल दूं, और ये नमक कुछ देर बाद क्या हो जाए, मिक्स हो जाए अपने आप, ये नमक क्या हो जाए कुछ देर बाद मिक्स हो जाए, तो यहाँ क्या डिफ्यूजन हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि नमक क्या हो गया अपने आप घुल गया, अपने आप मिक्स हो गया। जहां भी चीजें अपने आप घुल रही होंगी या अपने आप मिक्स हो रही होगी, वहां पर क्या हो रहा होगा, बच्चे डिफ्यूजन हो रहा होगा, है ना, डिफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, तो चीजें मिक्स क्यों होती हैं, डिफ्यूजन होता क्यों है, आपको मैं अगर आप ध्यान से सुनना होगा आपने तो मैं आंसर दे चुका हूं, क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स के पास क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है। मैटर के पार्टिकल्स के पास क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कि ये कुकर था, कुकर में खाना बन रहा था, तो खाने के पार्टिकल्स बाहर आने लग गए, अपना बाहर आने लग गए। क्यों आने लग गए बाहर, क्योंकि इनके पास थी क्या, काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी थी तो ही ये क्या हो पाए, एक दूसरे में मिक्स हो पाए, यानी यहां पर डिफ्यूजन हो पाया, यानी यहां पर डिफ्यूजन हो पाया। यानी डिफ्यूजन क्यों होता है भाई, क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स के पास क्या होती है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुनो, देखो बच्चे, मैंने आपको ये बताया कि जो भी मैटर होता है उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके बाद क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे पानी था, पानी के पार्टिकल्स के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। पानी के पार्टिकल कुछ तरह से मूव करेंगे, उस तरह से चलते रहेंगे, है ना। एक मेरे पास ठंडा पानी था, ये क्या था, ठंडा पानी था, और एक था मेरे पास गर्म पानी, एक था मेरे पास गर्म पानी। सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं, गर्म पानी है, गर्म पानी है। तो एक बार बताओ, कौन से वाले पानी के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठंडे वाले के पास कि गर्म वाले के पास, ठंडे वाले के पास कि गर्म वाले के पास। भाई वैज्ञानिक कहते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी भी ज्यादा होगी, कहने का मतलब अगर टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर एक चीज कम होगी मान लो टेम्परेचर कम है किसी चीज का, यानी अगर कोई चीज ठंडी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। यानी वैज्ञानिकों की परिभाषा के हिसाब से वैज्ञानिकों ने कहा कि ठंडी चीज के की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, गर्म चीज की ज्यादा होती है। यानी अगर ये गर्म है पानी तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे बड़ी जोर जोर से बड़ी तेज स्पीड से भाग रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, बड़ी तेज स्पीड से भाग रहे होंगे, डबल एरो मैंने इसलिए बनाया। ठंडे पानी की कंपैरिजन में ये ज्यादा तेज स्पीड से बच्चे क्या कर रहे होंगे, भाग रहे होंगे। अच्छा, एक बार बताओ, अगर मैं ठंडे पानी में नमक घोलूं, मैं ठंडे पानी में 2 ग्राम नमक घोला, कितने ग्राम, 2 ग्राम, और गर्म पानी में भी मैंने कितने ग्राम नमक घोला, 2 ग्राम,
कौन से पानी में नमक ज्यादा जल्दी घुलता है? कौन से पानी में नमक ज्यादा जल्दी घुलता है, गर्म में कि ठंडे में? जाहिर सी बात है गर्म में ज्यादा जल्दी घुलता है। क्यों घुलता है गर्म में ज्यादा जल्दी? क्योंकि भाई साहब, क्योंकि गर्म वाले पानी के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, तो ज्यादा जोर की स्पीड से नमक से टकरा रहे थे। ज्यादा जोर की स्पीड से नमक से टकराएंगे तो नमक को ज्यादा जल्दी तोड़ पाएंगे, ज्यादा जल्दी तोड़ पाएंगे, ज्यादा जल्दी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ पाएंगे नमक को, और नमक ज्यादा जल्दी इनके बीच की जगह को धारण कर लेगा। उतनी जल्दी नमक क्या करेगा, यहां से हटके इनके बीच की जगह को धारण कर लेगा, है ना। ये बच्चों, ये वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन कैसे दे पा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे दे पा रहे? देखो, वैज्ञानिकों ने देखा दिखाया कुछ नहीं है, पार्टिकल्स को तो कोई देख ही नहीं पाया। मैंने बताया ना, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम देख ही नहीं सकते उनको। तो वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग करे इसी तरह अजीब वगरीब। उन्होंने देखा कि नमक ठंडे पानी में देर से घुल रहा है, गर्म पानी में स्पीड से घुल रहा है। तो उन्होंने अपना दिमाग लगा के तो ये तर्क दिया कि नमक इसलिए जल्दी घुला होगा कि गर्म होने पर पानी के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई होगी, और ये ज्यादा स्पीड से टकराया होगा, इस वजह से नमक गर्म पानी में ज्यादा जल्दी घुला। तो इस बात से प्रूव हो रहा है कि किसी भी चीज को गर्म करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो